सभी कंप्यूटर कॉलेज में होने वाले कंप्यूटर बेसिक्स 1 मंथ के कोर्स की आउटलाइन को जरा देखते हैं। बेसिक कोर्स आउटलाइन, सबसे पहले हम इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के फ़र्क को वाजिया करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, कुछ लर्निंग्स होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, माउस की वर्किंग आएगी, एमएस पेंट विंडोज़ का एक डिज़ाइनिंग कंपोनेंट, वर्ड पैड के बारे में सीखेंगे, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, बैकग्राउंड को चेंज करना आएगा, स्क्रीन सेवर्स क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, स्टार्ट आइकॉन के बारे में, लॉग ऑफ में और शटडाउन में क्या फ़र्क होता है, नोट पैड के बारे में मालूमात आएगी, कैलकुलेटर क्या होता है, एड्रेस बुक के बारे में जानेंगे, मीडिया प्लेयर यानी मीडिया फाइल्स को रन करना, स्टार्टअप फोल्डर क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, स्केड्यूल टास्क के बारे में मालूमात होगी, फोल्डर्स और फाइल्स ये क्या कॉन्सेप्ट हैं, कंप्यूटर में किस तरह डाटा सेव होता है उसके बारे में मालूमात, शॉर्टकट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूमात, सेटिंग्स यानी कंट्रोल पैनल में जाके मुख्तलिफ एप्लेट्स में काम करना सीखेंगे, रन डायलॉग बॉक्स के बारे में मालूमात, सर्चिंग यानी किसी फाइल को कंप्यूटर में से ढूंढना, सर्च करना, टास्क बार माय कंप्यूटर में, सीडी क्या होते हैं, ड्राइव्स क्या होते हैं, इनमें कैसे फोल्डर्स रखे जाते हैं, सब कुछ सीखेंगे, विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइलें कॉपी और मूव करने के लिए, रिसाइकल बिन और टास्क बार को अपनी मर्जी से सेट करना, कस्टमाइजेशन ऑफ टास्क बार और मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ के बारे में सीखेंगे ताकि स्पीड वर्क कैसे होता है जाने। यह आपने बेसिक कोर्स आउटलाइन के बारे में समझा, इसमें कुछ चीज़ें तो आपको सीडी पर ही प्रोवाइड की जाएंगी और कुछ चीज़ें वीकली क्लास में आप लोग कवर करेंगे, लिहाजा जो सीडीज़ आपको दी जाएं उन्हें बड़ी तवज्जो से सुने और वीकली क्लास में आके वो चीज़ें क्लियर करें।